नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर। देश के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के कई जिलों में राजधानी पटना समेत बारिश होने की पूरी संभावना है। दोपहर बाद मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में यह कहा गया है कि प्रदेश की राजधानी पटना के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ जहानाबाद के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान प्रदेश में ओला गिरने की भी संभावना है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पटना के साथ साथ अरवल, भोजपुर, जहानाबाद में बारिश होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि प्रदेश में 12 और 13 मई को बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले प्रदेश के 18 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। इधर मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि बारिश के दौरान सतर्क रहे, लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इधर विभाग ने यह भी कहा है कि अगर आप खुले में हैं तो इस समय पक्के मकान में चले जाने की ज़रूरत है। आप इस दौरान ऊँचे पेड़ के नीचे ना रहें, साथ साथ बिजली के खंभों से दूर रहने की बात कही गई। यानी कि जैसे ही बारिश जैसे हालात अगर आपके इलाके में बनते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौरान आपको खुले में रहने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ आपको पक्के मकान में जाने की ज़रूरत है और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास नहीं रहने की बात कही है, क्योंकि इस दौरान जो है ओले गिरने के साथ साथ बिजली चमकने की भी बात कही गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान आसानी के कारण देश के कई राज्यों में बारिश जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर जो है चेतावनी जारी कर दी, जिसमें कहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही है। इधर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि तूफान आंध्र प्रदेश के अमरावती की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस तूफान को लेकर यह भी बताया गया है कि बिहार में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून जो है सुहाना बना हुआ है। तापमान में कमी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश जैसी संभावना भी बनी हुई है। बता दें कि प्रदेश में जिस तरह से गर्मी की स्थिति थी उससे लोगों को निजात मिला है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में इस बार सामान्य बारिश होने की संभावना है, जिससे कि प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी बताया है कि इस बार बिहार में बरसात के दिनों में अच्छी बारिश होने की बात कही गई, जिससे कि किसानों के चेहरे पर खुशी देखने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बिहार में इस बार मानसून तय समय पर सक्रिय रहेगा, यानी कि इस बार मानसून जो है सक्रिय रहने की बात कही गई है। साथ ही साथ आसानी तूफान के कारण जिस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बारिश जैसे हालात हैं, बिहार में भी उसका असर अब दिखने लगा है। मानसून जो है एक तरह से कह लें कि बिहार में मौसम का मिजाज सुहाना हो गया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।